बहुत से लोग बातें करते हैं कि बच्चों को गैजेट्स नहीं लेके देने चाहिए, कंप्यूटर और मोबाइल जैसी चीजों से दूर रखना चाहिए, तो भाई आप बिल्कुल ठीक हो, नहीं लेके देना चाहिए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है यार। 2020 में बच्चों को आप गैजेट से दूर रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर गैजेट्स खरीद के दो, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी चीजें जरूर लेके दो जो कि एजुकेशनल और इंटरैक्टिव हो। एक सेकंड, मैं समझ गया हूं कि आप सीधा पॉइंट पे आने की बात कर रहे हो। तो भाई मैं बात कर रहा हूं आज के इस प्रोडक्ट के जिसका नाम है सारेगामा कारवा मिनी। ये स्पेशल बताया हुआ है किड्स के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट आपकी 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको वो सारी एजुकेशनल चीजें मिल जाएंगी जो एक्चुअली में आप चाहते हो कि बच्चे खेलते कूदते सीख जाए। ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर। एक मिनट, इस पे लिखा है इट्स नॉट जस्ट अ ब्लूटूथ स्पीकर। दैट मींस आपको इस स्पीकर के अंदर ना पेन ड्राइव लगाने की जरूरत है, ना मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको इस स्पीकर को यूज करने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बटन ऑन करना है और इसे एंजॉय करना है। सबसे बढ़िया चीज यही है, आप सारी चीजों से बच्चों को दूर रख सकते हो। और ये स्पीकर दे दो, सारी इंटरैक्टिव चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब इसके अंदर आपको कौन सी ऐसी चीजें मिलती है जिसकी वजह से मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। माय नेम इज हितेश एंड यू गाइस आर वाचिंग टॉयज गुरु। तो भाई अगर आपको कुछ नया, कुछ बढ़िया देखने का मन करता है, या फिर आपको कुछ ट्रेंडिंग टॉयज के बारे में जानना पसंद है, तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। इस वीडियो के लिए अपनी एक्साइटमेंट एकदम जबरदस्त है। पूरे 2 हफ्ते हो गया मैं आपके लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि सबसे पहले आपको अपने चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिले। तो ये है सारेगामा कारवा मिनी की पैकिंग। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही सही लग रही है। यहाँ पर आपको इसका प्राइस दिख जाएगा 2990। यहाँ पर इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें एक सी टाइप चार्जर आता है और एक स्पीकर आता है और एक मैनुअल आता है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 80 राइम्स, 300 स्टोरीज, 15 लर्निंग सॉन्ग्स और बहुत ही सही चीज वो है मंत्रास। ये नॉर्मल मंत्रास नहीं है, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाए हुए मंत्रास जो कि इसके अंदर प्री लोडेड आएंगे और इसी माने बच्चे गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा भी सीख जाएंगे। और जब आप इस बॉक्स को खोल रहे होगे तो आपको एक्चुअली में फील आएगी कि ये स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको एक यूजर मैनुअल, साथ ही में होगा उसके अंदर वारंटी कार्ड। इस यूजर मैनुअल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है और इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको। इसे कर देते हैं साइड और निकालते हैं सबसे पहले अपने स्पीकर को। तो ये है अपना कारवा मिनी। आप देख रहे हो कितना कलरफुल है, मैंने आज तक इससे ज्यादा कलरफुल स्पीकर नहीं देखा। बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जो फ्रंट है इसकी वो मेटल की है, जो आप साइड्स देख रहे हो वो प्रीमियम क्वालिटी का है। आप जब हाथ लगाओगे आपको बहुत अच्छी सी फील आएगी। काफी लाइट वेट है तो कॉम्पैक्ट है, बच्चों के हाथ में इजीली आ जाएगा। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे दिख रही है इस स्पीकर के अंदर, कलरफुल तो है ही, इस स्पीकर को बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो सेक्शंस हैं वो राइम्स और स्टोरीज लर्निंग वाले हैं, मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, उसका सेक्शन ये बनाया हुआ है। इसे प्ले कैसे करना है, पॉज कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर लूप का बटन है। यूजुअली बच्चों में होता है कि उनकी एक फेवरेट राइम होती है वही उनको बार बार सुननी होती है। राइट साइड पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है और हेडफोन्स का ऑप्शन है। इट मींस कि आप इस स्पीकर को एज अ म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हो। जो पीछे वाला सेक्शन है वो पेन ड्राइव या चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर आप सी टाइप चार्जर लगा सकते हो, ऑक्स इन, दैट मींस कि आप इसके साथ एक्सटर्नल स्पीकर भी जोड़ सकते हो। भाई साहब कितने फंक्शंस दे दिए इसके अंदर। यहाँ पर पेन ड्राइव लगा सकते हो, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, यानी कि सारेगामा वालों ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। पूरी कोशिश की है कि स्पीकर में वो सब कुछ दे दें, क्योंकि इसको डिजाइन इस तरीके से किया कि बच्चे को बड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको चलाने के लिए। सारी चीजें अलग अलग कर दी है, इजी टू यूज बना दी है। एक बार बच्चे को समझा दो उसके बाद उसको बहुत इजीली याद हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा बार बार पूछ के कि चलता कैसे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक हिडन फीचर जो कि बहुत ही सही लगा मुझे। आप जो ग्रिल देख रहे हो ये पूरी मेटल की ग्रिल है, इसके पीछे स्पीकर है। जब आप इसे ऑन करोगे इस तरीके से तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक स्टार्टअप साउंड आएगा। स्टोरीज इन इंग्लिश एंड हिंदी। इस स्टोरी को हम यहाँ से कर देते हैं पॉज। जैसे ही पॉज किया तो देखो यहाँ पर एक ब्लू कलर की एलईडी लाइट चल रही है। ये एलईडी लाइट आपको बताएगी कि ये इस टाइम पे पॉज है, ये ऑफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट दूर से नहीं दिख रही है। तो
तो ऐसा भी लग सकता है कि ये इस टाइम पे ऑफ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ऑफ है तो इसकी बैटरी बेफजूल की खर्च हो रही है, तो आप उस बैटरी को बचा सकते हो इस लाइट के थ्रू। जब आप इसे प्ले करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। जब ये लाइट ब्लिंक कर रही होगी बार बार, इट मींस कि ये बैटरी 30% से कम है, तो आपको इसे पूरा चार्ज कर लेना चाहिए। आप बच्चों को ये स्पीकर पकड़ा दो यूज करने के लिए, वो खुद से यूज कर लेगा, उसको आपको सिर्फ एक बार समझाने की जरूरत पड़ेगी कि इसके अंदर कौन से क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से इसे यूज करना है। तो भाई इसके बेसिक फीचर्स के बाद आ जाते हैं हम इसके लर्निंग सेक्शन पे। यहाँ से आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, ये डिफरेंट मोड्स कुछ आपको मिलेंगे। इन मोड्स को एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कितने जल्दी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे स्विच कर सकते हो। यहाँ से सबसे पहले हम राइम्स को प्ले कर लेंगे। ओके, तो इसके अंदर जो राइम्स और स्टोरीज हैं वो आपको दो दो लैंग्वेज में मिलेंगी, एक मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज और एक मिलेगी हिंदी लैंग्वेज, जो कि बहुत सही चीज़ है। अगर आपका मन है आप हिंदी में सुन सकते हो, अगर आपका मन है तो आप इंग्लिश में सुन सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्ले करते हैं राइम्स। मैं पूरी राइम्स और स्टोरीज नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी सुनाऊंगा हो सकता है इस वीडियो पे कॉपीराइट प्रॉब्लम आए, तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो पे आए। तो मैं आपको छोटा छोटा डेमो दूंगा जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आप फटाफट समझ पाओगे। यहां से आप नेक्स्ट राइम चला सकते हो, यहां से दोबारा से नेक्स्ट राइम चला सकते हो। अब इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, जब भी आप आगे आगे जाते जाओगे तो हमेशा इंग्लिश राइम्स चलती रहेंगी। अगर आपको कभी भी हिंदी सुननी हो तो आप इसके बैक को प्रेस करते रहो, 3 से 4 बारी अगर आप प्रेस करोगे तो ये पीछे की साइड जाएगा और वहां पर ज्यादातर आपको हिंदी राइम्स या हिंदी स्टोरीज मिलेंगी, तो आप उसे इजीली चला सकते हो। अगर आपका हिंदी सुनने का मन है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हिंदी राइम्स या हिंदी स्टोरीज सुनने का। तो ये था इसका राइम सेक्शन, अब हम इसके स्टोरी सेक्शन पे आ जाते हैं। जब आप इसके स्टोरी बटन को प्रेस करोगे तो वो एक्चुअली में आपको बताएगा कि ये इस टाइम पे स्टोरी मोड पे है, तो इसके अंदर भी आपको वही करना है। अगर आप आगे का वाला बटन प्रेस करोगे, यानी कि आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करोगे तो वो इंग्लिश सुनाएगा, अगर आप बैक का बटन प्रेस करोगे प्रीवियस का हिंदी की स्टोरी सुनाएगा। तो एक ये छोटा सा शॉर्टकट है जिसको मैंने खुद से एक्सप्लोर किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको यूज करने में। यहाँ से आप मंत्रा सुन सकते हो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा, जो भी इसके अंदर मंत्रास यानी कि जो भगवान के गाने यूज किए हैं, कहीं ना कहीं उनमें बच्चों की आवाज़ है, तो बच्चे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको सुनने में मजा आएगा, और इसी बहाने वो भाई भगवान का नाम लेना सीख जाएंगे। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो ये थे इसके 4 मोड, यहाँ पर लर्निंग मोड भी है, वो भी मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। इसमें ABC 1 2 3 फोनिक्स जैसी अलग अलग साउंड्स हैं, अलग अलग इंटरैक्टिव साउंड्स हैं, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर बच्चे को कुछ भी लर्निंग करनी हो। यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लूटूथ मोड, जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो इस तरीके की बीप आएगी, इट मींस कि इस टाइम पे ब्लूटूथ सर्चिंग मोड पे है, तो इसको नॉर्मल स्पीकर की तरह आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स पे जाओ, ब्लूटूथ ऑन करो, सर्च पे जाने के बाद इसे कनेक्ट कर लेना। यहाँ पर आ गया लिखा हुआ कारवा मिनी, आपके फोन में भी कारवा मिनी लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप इस स्पीकर को ब्लूटूथ के थ्रू चला सकते हो, इसके अंदर यूट्यूब कनेक्ट करके चला सकते हो या Gaana.com से गाने चला सकते हो, जैसे कि मैं आपको सुना रहा हूँ। ओवरऑल बात की जाए इस स्पीकर के बारे में, तो इसके अंदर आपको 2 घंटे की चार्जिंग पे 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं बच्चों का, तो इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी लगी, वो ये लगा कि इसके अंदर सी टाइप चार्जिंग दी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको चार्जर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उल्टा चार्जर लगा रहे हो या सीधा चार्जर लगा रहे हो। यूजुअली जो माइक्रो USB चार्जिंग होती है उसमें सीधा और उल्टा देखना पड़ता है, तो हो सकता है कि बच्चों से उस वाले चार्जिंग सेक्शन पे नुकसान हो जाता है, लेकिन इस सी टाइप में नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। सारे सेक्शन इन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा चलाने में भी ईजी रहेगा कि कौन सा सेक्शन है ब्लूटूथ वाला और कौन सा है लर्निंग वाला। और अगर आपको लगता है कि स्पीकर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या हैंग हो रहा है या अटक अटक के चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको एक रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पिन डाल के आप इसे रीसेट कर सकते हो फैक्ट्री सेटिंग पे, और ये बिल्कुल न्यू स्पीकर की सेटिंग पे आ जाएगा। इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, साथ ही में इसके अंदर आपको ऑक्स इन और लाइन आउट का ऑप्शन भी मिलता है,
इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप इस स्पीकर को एज अ म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर सकते हो, इसमें हेडफोन्स लगा के जो इसके अंदर इनबिल्ट सॉन्ग्स हैं, राइम्स हैं, पोएम्स हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने हेडफोन पे सुन सकते हो। एक जगह पर बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, अभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अगर आपको इस स्पीकर में फर्स्ट सॉन्ग से 10th सॉन्ग पे जंप करना है तो आप कैसे करोगे? भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, आपको हर सॉन्ग का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो सुनना पड़ेगा कि कहीं आप उस सॉन्ग को मिस तो नहीं कर जाओगे जिस सॉन्ग को आप सुनना चाहते हो। तो इस चीज में काफी टाइम लग जाएगा, जहां मुझे थोड़ी सी कमी लगी। अगर इसमें स्क्रीन होती तो इसमें आपको राइम्स का वो नंबर लिखा हुआ आता रहता तो आपको याद हो जाता कि कौन से नंबर पे कौन सी राइम है, लेकिन ये काफी छोटी सी कमी है। ओवरऑल इस स्पीकर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इसका जो मोड सेक्शन है बहुत ही सही तरीके से रिस्पॉन्स देता है आपको, जब आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये बटन आप देख रहे हो इनके पीछे बैक लाइट है तो आपको दूर से पता चल जाएगा। तो इस बैक लाइट का फायदा यह है कि जब इस स्पीकर को आपने पॉज कर रखा होगा तो आपको ये पता होगा कि आपने इसको राइम्स पे पॉज किया है या स्टोरीज पे पॉज किया है। 3000 रुपीज का ये स्पीकर है जिसे सारेगामा कारवा मिनी ने लॉन्च किया है, काफी हद तक बहुत ही परफेक्ट प्राइसिंग देने की कोशिश की है। ओवरऑल स्पीकर की जितनी मर्जी तारीफ कर लो वो कम है। माय नेम इज रितेश एंड यू गाइस आर वाचिंग टॉयज गुरु। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मुझे FB या इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ट्रेंडिंग टॉयज के बारे में जानना पसंद है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।